कर सकेंगे। कंसह पाप मती सक्षम तब चानक दुंधुवे देवक्याष्टमो गर्भो नाइस्त्री भवतु मर्हति नाइस्त्री भवतु मर्हति। कि पूतना के वध से विश्वास हो गया है कंस को कि देवकी का आठवां पुत्र हमारे घर में है। वो स्त्री नहीं थी, वो कन्या नहीं थी, वो तो पुत्र था। इसलिए पापमती कंस हर समय कृष्ण को मारने का प्रयत्न करता है। अब जो पाप आत्मा होता है ना, वो हर समय किसी का बुरा ही सोचता है, परंतु जो पुण्य आत्मा होता है वो सदैव सारे जगत का कल्याण सोचता है। पापमती कंस सदा बुरा सोचता है, अलग अलग नीतियां अपनाता है कि कैसे मैं कृष्ण को मारूं। और प्रभु आज मानो विचार विमर्श हुआ, निष्कर्ष ये निकला कि लाला का नामकरण संस्कार गुप्त रूप से गौशाला में किया जाएगा, इसलिए राम और श्याम दोनों को गौशाला में ले जाया गया और रोहिणी मैया अपनी गोद में आज लाला को लेती हैं और यशोमती मैया अपनी गोद में आज कहते हैं बलदाऊ जी महाराज को लेते हैं कि देखते हैं बाबा पहचानते हैं कि नहीं, कि कौन सा पुत्र किस मैया का है। और जैसे ही दोनों बैठती हैं मैया, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे नंद बाबा, आपके घर में बड़ा प्रेम का सौहार्द है, परंतु जब बालक का नामकरण संस्कार होता है तो बालक माता की ही गोद में होता है, इसलिए दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को ले हुए हैं। मैया मुस्कुराई, समझ गई बाबा को बहुत अधिक ज्ञान है, इसलिए रोहिणी मैया ने अपनी गोद में अपने लाला को लिया और बाबा ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सो हृदो गुण आख्यासते रामीति बलाधिक्याद बलम विदु बलाधिक्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, निश्चित ही ये रोहिणी का पुत्र है। गृहीत्वनु युगमम तनु, इससे पहले भी इसके अवतार हो, शेष इत्यादि अवतार हो चुके हैं। अख्यास्ते रामीति, इसका एक नाम राम होगा। बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की इसमें अधिकता होगी इसलिए इसका एक नाम बलराम भी होगा। बलो बलदाऊ भैया के जय। और अब बाबा की दृष्टि लाला के ऊपर पड़ी, कृष्ण के ऊपर पड़ी, और दृष्टि पड़ी तो महाराज दृष्टि ठहर गई, नेत्र स्तब्ध हो गए, अश्रुधारा आंखों से बहने लगी। क्यों ना बहे मेरे प्यारे, ये नयन रोए तो केवल कृष्ण के लिए, और प्यारे ये मन मुस्कुराए तो केवल कृष्ण के लिए। एक संत कथा सुनाया करते थे, और एक बाबा कथा सुनने आया करते थे हर रोज। दुनिया कथा को सुन के बड़ी रोती, बड़ी रोती, परंतु जो संत थे ना कथा सुनने जो आया करते थे, उनको कभी रोना नहीं आया करता था। कथा का विश्राम दिन था आज, और विश्राम दिवस पर जैसे ही कथा चल रही थी, वो जो संत महात्मा कथा सुनने हर रोज आते थे ना,
आज वो फूट फूट के रो रहे थे। तो जो वक्ता थे कथा के पश्चात वो महात्मा से मिले, कहा महात्मन आज तो आप बड़ा रोए, बड़ा रोए, आज किस प्रसंग पे इतना रोए आप? महात्मा ने कहा कि प्रभु मैं प्रतिदिन यहां पे बैठकर कथा सुनता था, ये दुनिया वाले साधारण इंसान कथा सुन के फूट फूट के रोते, परंतु मुझे कभी रोना नहीं आता था। आज मैं अपने साथ घर से ही मिर्च लेके आया लाल रंग की, और मैंने वो मिर्चें जो थी ना अपनी आंखों में डाल ली। मैं प्रसंगवश नहीं रोया, मैं भाववश नहीं रोया, मैं तो दर्दवश रोया हूं, दुखवश रोया हूं। महात्मा मुस्कुराए, कहा महात्मा ने ठीक ही तो किया आपने, जो इंद्रिय भगवान के लिए ना रोए उसे तो कष्ट देना ही चाहिए, उसे तो कष्ट देना ही चाहिए। जो आंख भगवान के लिए ना रोए प्यारे, ऐसी आंख का भी फिर क्या लाभ है। जो कर्ण दुनिया के झूठे विषयों को तो सदा सुने, कभी सच्चे परमात्मा के सुंदर कथा को ना सुने, ऐसे कर्णों का तो पहरे होना ही अच्छा। प्यारे प्यारे, जो श्वास दुनिया के झूठे द्वंद्वों के लिए तो ली जाए, परंतु सच्चे परमात्मा के लिए ना ली जाए, ऐसे श्वास का भी फिर क्या लाभ। हम रोए तो अपने सांवरे के लिए, हम मुस्कुराए तो अपने भगवान के लिए। प्यारे ये पांव जो परमात्मा ने हमें दिए झूठे जगत में घूमने के लिए नहीं दिए, ये पांव हमें भगवान ने दिए कि पांव चल के भगवान की कथाओं तक जाएं, ये पांव चल के देव मंदिर तक जाएं, देवालय तक जाएं, तभी ना पांव का लाभ है प्यारे, नहीं तो ऐसे पांव का भी फिर क्या करना। इसलिए कहते हैं कि सत्पुरुष अनेकों अनेक ऐसे दृष्टांत सुनाते हैं, दृष्टव्य सुनाते हैं कि जीवन में भावों के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज बाबा के नेत्र स्तब्ध हो गए कृष्ण का दर्शन करके, कुछ कहना चाह रहे हैं परंतु बोल नहीं पा रहे हैं। परमात्मा ने ही वाणी की शक्ति दी, इसलिए आज श्री गर्गा जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज बोले आसन वन्ना श्रयो हश्य गृहतो अनु युगमं तनु शुक्लो रक्त स्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः, इदानीं कृष्णताम गतः। आसन वर्णा श्रेयो हस्य गृहीतवन युगमं तनु, कहा ये तो इससे पहले हर युग में आ चुके हैं, कभी ये शुक्ल बन के आए महाराज, कभी ये रक्त बन के आए, कभी ये पीत बन के आए, इदानीं कृष्णताम गतः, आज ये सांवरे बन के आए हैं, आज ये कार्य बन के आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु आज ये कृष्ण बन के आए हैं, आज ये सांवरे बन के आए हैं, आज ये प्यारे बन के आए हैं, सब कुछ लुटाना चाहा आज नंद बाबा ने सतगुरुदेव के चरणों में, कि हे प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, भगवान का नाम दे दिया, बस सब और क्या चाहिए। परंतु बाबा ने सब कुछ लेने से मना कर दिया, कि संत ब्राह्मण का संतोष ही उसका सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए प्यारे मुझे कृष्ण नाम मिल गया और जीवन में मुझे क्या चाहिए। यूं कह के बाबा अपने पथ को पकड़ते हैं, अपनी राह को पकड़ते हैं, और ये राह आज बढ़ती है सीधे जमुना के पुलिंद की ओर, बरसाना की ओर। चलते चलते आज बाबा उस पुलिंद पे पहुंचते हैं बरसाने के, जहां पे
उनकी भेंट श्री ऋषिभानु जी महाराज से होती है। और प्रभु श्री ऋषिभानु जी महाराज आज जैसे ही दर्शन करते हैं, क्या श्री गर्गाचार्य जी महाराज का चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत होते हैं और सदगुरुदेव को अपने आज कुटिया में ले चलते हैं, सेवा करते हैं गुरु चरणों की, चरण दबाते हुए रात्रि को आज कहते हैं हे प्रभु इस दास के भी दो बालक हैं, थोड़ी सी कृपा उनके ऊपर भी कर दो, उनका भी नामकरण संस्कार कर दे तो बड़ी कृपा होगी सदगुरुदेव। बाबा तो मनो पहले से ही तैयार बैठे थे, उठ के बैठ गए, अरे लाओ ना लाओ शीघ्र लाओ। हाँ छोटे से बालक को हाथ में लेते हैं बाबा और देखकर कह देते हैं कि मेरे गोविंद का ये परम सखा होगा, इसका नाम होगा सुगल। हाँ और जैसे ही वो छोटी सी कन्या बाबा अपने हाथ में लेते हैं, कहते हैं स्वतः अश्रुधारा बह पड़ती है, आंसू बह पड़ते हैं, उन आंसुओं से आज उस कन्या के चरण प्रक्षालन हो जाते हैं। बाबा बोलने का प्रयत्न करते हैं परंतु बोले कैसे, उसके ऊपर बोलना कोई आसान नहीं मेरे प्यारे, उसकी कृपा के बिना कोई उसके ऊपर नहीं बोल सकता। हिम्मत की बाबा ने, किशोरी जी ने ही कृपा करी और बाबा के मुख से निकला ये साक्षात आह्लादनी शक्ति होंगी मेरे गोविंद की, भटके हुओं को राह दिखलाने वाली होंगी, जगत में जगत के द्वंद्वों में जिस जीव को जब कोई राह ना मिलेगा, जीव को कोई रास्ता नहीं दिखलाई देगा तो उस जीव को ये रास्ता दिखलाने वाली होंगी, इसलिए इनका नाम होगा राधे 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 हे राधे। जगत द्वंद्वों में मैं फंस चुका हूँ, एक किशोरी जो मुझे रास्ता दे दे, मुझे राह दिखला दे, इनका नाम होगा राधे। राधा नाम बड़ा प्यारा है मेरे प्यारे, रास्ता देने वाला है किशोरी जी का नाम, दया देने वाला है, कृपा देने वाला है, बड़ी सरस है राधा रानी, हाँ बड़ी प्यारी है किशोरी जो। आइए इसी नाम का श्रेय लेते हुए सरस किशोरी वयसि की थोरी रति रस भूरी की जय कृपा की तो बरसाने वारी, जय कृपा की तो बरसाने वारी, जय कृपा की तो हरि वंश दुलारी, सरस किशोरी सरस किशोरी वयस की थोरी वयस की थोरी रति रस भूरी की जय कृपा वंश दुलारी जय सब गाय हाथ ऊपर उठा के राधे
साथ नहीं तीन मेरा परसाने वाली विजय
देनी है तो बस मुझे कृष्ण नाम की भिक्षा देना। हे किशोरी जो मेरे जीवन का सदाधार बन जाए बस कृष्ण चरण, मैं लोट पोटो हो जाऊं ब्रज की रज में और मेरे जीवन का बस यही एक अंतिम सहारा हो। आज मानो राधा रानी के सुंदर चरणों का दर्शन स्पर्श करके बाबा ने अपने जीवन को धन्य बनाया और बाबा चल पड़े उस कृपा को लेके अपनी राह के ऊपर। बड़ा प्यारा प्रसंग है राधा रानी का। दुनिया कहती है कई बार कि कहीं पर भी भागवत में राधा नाम नहीं आया, सीधे सीधे राधा कहीं नहीं लिखा भागवत में, फिर भी जहां जहां कथा होती है बार बार राधे राधे बुलाया जाता है, बार बार राधे राधे क्यों उच्चारण किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है प्यारे कि श्री सुखदेव जी भगवान जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, इनकी इष्ट है राधा रानी। राजा के पास केवल 7 दिन थे और सदगुरुदेव को डर था कि अगर कहीं मेरी वाणी के ऊपर राधा नाम आ गया तो मेरी समाधि ना लग जाए, और अगर मेरी समाधि लग गई तो इस राजा का कल्याण फिर कैसे होएगा, क्योंकि इसके पास तो मात्र 7 ही दिन है, इस राजा का कल्याण कैसे होएगा। परंतु फिर भी सतगुरुदेव ने सांकेतिक रूप से दो बार संकेत किया किशोरी जी का। सबसे पहले तो जिस समय भगवान का जन्म हुआ उस समय योग माया का प्रसार हुआ भागवत में, कंस के सारे पहरेदार सो गए थे, और दूसरे जिस समय रास पंचाध्यायी का प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्यायी का जब प्रारंभ हुआ भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्लम मल्लिका विक्षरं तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, यहाँ पे भी योग माया का नाम हुआ। हाँ, ब्रज की योग माया कौन है? हाँ, ब्रज की योग माया तो केवल राधा रानी ही हो सकती है। सांकेतिक रूप से 2 जगह पे राधा नाम आया। हाँ, इसलिए सतगुरुदेव ने मानो संकेत रूप में ही किशोरी जी का नाम ले लिया, इसलिए राधा के बिना तो भागवत कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गतिरममा। सतगुरुदेव सुनाते हैं प्यारे इस पावनी कथा प्रसंग को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आज राम और श्याम धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलते हैं राम और श्याम। कालीन व्रजतापेन गोकुले रामकेशव जानभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणं विजय रिंगमाणो विजय। काल के प्रभाव से कुछ ही दिनों में राम और श्याम कहते हैं घुटनों के बल चलने लगे। जल बड़ा प्रिय है मेरे भगवान को, कहीं बीच में जल पड़ा हो तो हाथ मारते हैं जल के ऊपर। हाँ, मैया दौड़ के अपने लाला को अंक में भरती है और लाला वो गीले गीले हाथ मैया के मुख पे लगा देते हैं, मैया बड़ी हर्षित होती है।
घर के बीच में बैठ के आज कहते हैं, जब बैठते हैं लाला खेलते खेलते, हाँ तो कहते हैं घर के मध्य में एक देहरी पड़ती है, देहली। हाँ, बाल ब्रह्म प्रतिदिन उस देहली को पार करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो देहरी पार ना हुए महाराज। हाँ, देहरी भगवान को ऐसे लगे जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो, परंतु आज बाल ब्रह्म ने बड़ी सुंदर युक्ति निकाली। हाँ, कहते हैं देहरी के ऊपर भगवान आज पेट के बल लेटे, लेट के दूसरी तरफ जैसे ही लुढ़के तो वो देहरी पार हो गई। हाँ, इतने प्रसन्न हुए उस देहरी को पार करके, जैसे जीव भव सागर को पार करके प्रसन्न होता है। इतने प्रसन्न आज मेरे भगवान हुए, फिर तो कभी देहरी के उस तरफ कभी देहरी के इस तरफ, मानो क्रिया बन गई मेरे भगवान की। कहते हैं कि पक्षी भगवान के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, जब भगवान बैठते हैं घर के आंगन में तो मानो कोयल कुहू कुहू की आवाज से बांसुरी बजाती हो, और कबूतर गुटरगो गुटरगो करके मानो तबले की तान देता हो, और बीच में मेरे भगवान नृत्य करते हैं, नाचते हैं मेरे भगवान। और मानो माता इस दृश्य को देख देख के हर्षित होती हैं, देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। वाहरे ब्रह्म, अजब तेरी माया, कि कितना अजब है तू, कितने मधुर है तेरी लीला। कि मानो देख देख के देवता हर्षित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। प्रभु कहते हैं एक दिन की बात लाला को आज माखन का स्वाद भाया। गोविंद ने पहली बार आज माखन का स्वाद चखा। मैया घर से कहीं बाहर गई थी किसी कार्य से, और लाला सीधे उस कक्ष में प्रवेश कर गए, जिस कक्ष में कहते हैं मैया ने माखन का मटका रखा था। मटके में हाथ डुबोया, और प्रभु माखन खाने लगे लाला। सामने घर के मध्य में एक खंभे पे शीशा लगा था, लाला अपने ही रूप को देख रहे उस शीशे में, और घबरा गए उस रूप को देख के, और कहते हैं कि उस खंभ को ही भगवान माखन खिलाते हैं। अरे लाला तू भी थोड़ा सा खा रहे, हाँ मेरी मैया को ना बताइयो, हाँ कि मैंने छुपके माखन खाया, हाँ और तुझे भी खिलाया, हाँ मुझे मारेगी तुझे भी मारेगी। हाँ, मैया इस दृश्य को छुप छुप के देख रही थी। हाँ, मैया दौड़ी, अरे लाला कहाँ है तू। हाँ, बड़ी सुंदर युक्ति निकाली लाला ने, अरे मैया देख, हाँ देख मैया तेरे तेरे आंगन में ये लाला घुस आयो है, ये छुप छुप के माखन खाता है। हाँ, मैंने इसको रोका, हाँ इसे रोका मैंने, हाँ परंतु ये ना रुका, देख मैया कैसे माखन खाता है। हाँ, अपने ही स्वरूप को खिला रहे महाराज, और अपने को शीशे में मैया को भगवान दिखा रहे हैं। हर्षित हो गए महाराज, देवता भी भगवान के समझ के ऊपर हर्षित हो रहे हैं। ये वाहरे बाल ब्रह्म कैसी युक्ति निकाली तूने महाराज। फिर तो आदत पड़ गई, दूसरे दिन फिर उस कक्ष में दोनों हाथ डुबो रखे माखन में। अब मैया ने पीछे से आगे पकड़ा, रे लाला क्या करता है। कहा मैया देखना तूने मेरे हाथों में जो ये सोने के कंकण डाल रखे हैं ना, इनसे मेरे हाथ जल रहे थे मैया। हाँ, इस अग्नि को शांत करने के लिए मैंने दोनों हाथ माखन में डाल लिया। हाँ, लाला फिर तीसरी बार उसी कक्ष में पीछे से आके मैया ने पकड़ लिया, लाला क्या करता है। आज युक्ति नहीं सूझी, जब इन्हें कोई युक्ति नहीं सूझती फिर इनको रोना आता है। रोए लाला, मैया कहती लाला तू छुपके माखन क्यों चुराता है। नंद बाबा के घर में 9 लाख गईया, कहा दूध दही की कोई कमी थोड़े है लाला, फिर छुपके माखन क्यों खाता है। प्रभु आज पूर्णिमा की रात्रि आई, मैया के अंक में लाला लेटे हैं, और मैया कृष्ण की कथा
समस्त गोपियों को सुना रही थी। लेटे लेटे लाला की दृष्टि आकाश मंडल के चंद्रमा के ऊपर पड़ी। हाँ अब महाराज चांद को जैसे ही लाला ने देखा तो जिद कर बैठे, जिद कर बैठे, मैया री मोहे चंद्र की लो नाले हो, जिद कर बैठे लाला कि मैया मुझे तो वो खिलौना चाहिए जो आकाश मंडल में है। अब महाराज समझाया, समझाया महाराज वहां पे बैठे हुए जो बाल ग्वाल गोपियां थी ना, अरे लाला वो कोई खिलौना नहीं, वो तो आकाश में तैर रहा हंस है। कहा फिर तो मुझे हंस ही चाहिए लाला, पांव पटकने लगे। एक गोपी ने कहा महाराज कोई हंस नहीं है, वो कोई हंस नहीं है, वो तो आकाश मंडल का चंद्रमा है। कहा फिर तो मुझे वो चंद्रमा ही चाहिए। बाबा ने बड़ी कोशिश करी, जल लिया, जल एक बर्तन में जल रखा, छलनी ली और आकाश के चंद्रमा को छलनी से लाला को जल में दिखा दिया। एक बार तो आकृति नापी लाला ने ऊपर नीचे करके, कहा बराबर है, खुश हुआ। अब जैसे ही उसको स्पर्श किया वो चला गया महाराज, फिर लाला पांव पटकने लगे। हाँ फिर पांव पटकने लगे तो मैया ने कहा लाला वो ना तो कोई हंस है और ना ही वो चंद्रमा है, अभी तू वो माखन का लोंदा है। लाला वो माखन का लोंदा है और उसमें जो काला काला दिखाई दे रहा है ना वो विष है, वो इसलिए खाने योग्य नहीं है। अच्छा मैया इसमें विष कैसे लगा? कहा बेटा एक क्षीर सागर है। कहा क्षीर सागर? कैसा क्षीर सागर? कहा दूध का सागर है। कहा मैया इतने सारे दूध के लिए तो बहुत सारी गायें आई होंगी। कहा नहीं बेटा वो गाय का दूध नहीं है। अरे मैया काहे झूठ बोलती हो, बिना गाय के दूध कैसे आवे? कहा लाला वो भगवान है, वो बिना गाय के भी दूध पैदा कर सकता है। अच्छा मैया आगे बता। कहा लाला इसी क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवता लगे एक तरफ दैत्य लगे, उस मंथन से ही अनेकों अनेक चीजें निकली। हाँ पहले जहर निकला, फिर अनेकों अनेक वस्तुएं निकली, अंततः उसमें से अमृत निकला। हाँ प्रभु जो वो जहर निकला था ना लाला, हाँ जहर का थोड़ा सा अंश इसी माखन के लोंदे में गिर गया, इसलिए खाने योग्य नहीं है। घर का जो ताजा ताजा माखन निकलता है लाला तो वो खाया कर। और प्रभु एक गोपी इस बात को सुन रही थी, इस बात को सुन रही थी कि लाला को माखन प्रिय है। लाला चोरी करना नहीं जानते थे, लाला को चोरी करना सिखाया किसने? ब्रज गोपियों ने। हाँ अब लाला को थोड़ी पता था महाराज की माखन की चोरी करनी है। एक दिन की बात, एक संत बताते हैं, एक दिन की बात यशोमती मैया लाला को माखन खिला रही थी। अब लाला अपने ब्रज मंडल के जितने बालक थे उनको पकड़ लाए, कहा मैया इनको भी माखन खिला। मैया ने कहा चलो बैठ जाओ तुम भी खा लो। बालकों को खिलाया। अगले दिन लाला ब्रज के बंदरों को पकड़ लाए, कहा मैया इनको भी माखन खिला। अब मैया ने थोड़ा तो माखन खिलाया, जब अगले दिन पशु पक्षियों को भी पकड़ लाए, मैया को कहते मैया ने को भी माखन खिला। अब मैया ने डंडा हाथ में उठा लिया, कहा तूने खाना है तो खा ले, मैं तुझे खिलाऊं कि तेरे बंदरों को खिलाऊं कि तेरे पक्षियों को खिलाऊं? महाराज लाला ने उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि सारे जगत का पेट भरने वाला हूं मैं, सारे जगत की पालना करने वाला हूं मैं, इसलिए मैया अगर तू नहीं खिला सकती तो मैं इनको खिलाऊंगा। फिर कहते हैं लाला ने उसी दिन से ही एक मंडल बना लिया, जिस मंडल का नाम रखा ब्रज चोर मंडल।
और उसके मुखिया हैं स्वयं मेरे लाला। हाँ, फिर तो महाराज मटकियां फूटने लगी। हाँ, मटकियां फूटने लगी। और आज एक ब्रजगोपी हाँ घर के बाहर आवाज लगाती है। हाँ, अपनी सासू माँ को कान्हा की तरफ इशारा करके, अरे मैया वो घर के कक्ष में मैंने माखन का मटका रख दिया है, ब्रज में बड़े बड़े चोर हो गए हैं, जरा ध्यान रखियो। लाला को निमंत्रण मिल गया महाराज। लाला अपने सखाओं के संग उस कक्ष में, सबसे नीचे बालक वाले हैं और सबसे ऊपर है लाला। हाँ, मटका फोर रखा है और फोर के मटका सभी को माखन खिला रही है। अब गोपी ने क्या किया, दौड़ी आई, बीच के जो नीचे के बाल ग्वाल थे वो तो सब निकल के भाग गए और अकेले लाला मटके के ऊपर लटके हुए हैं। दरवाजा बंद कर दियो महाराज। कहा लाला आज रंगे हाथ पकड़े गए, अभी यशोमती मैया के पास तुम्हारी शिकायत करती हूँ। और वो गोपी दौड़ी दौड़ी यशोमती मैया के पास गई, जाके देखा तो लाला यशोमती मैया की गोद में बैठे। अब गोपी वहां से भ्रमित हुई, फिर दौड़ी जाके कमरा खोला, लाला उसी कक्ष में बैठी है। फिर दरवाजा बंद किया, फिर दौड़ी, दौड़ के देखा लाला मैया के अंक में वहीं पर खेल रहे हैं। फिर दौड़ी कमरा खोला तो लाला कक्ष में बैठे हैं। वो गोपी भगवान के सामने साष्टांग हो गई महाराज। भगवान मुस्कुराए, हे ब्रज गोपी मेरे पांव का परती है, अगर पांव परने हैं तो मंदिर में जा भगवान के पर, कि जीव भगवान को माया से बांधने का प्रयत्न करता है, परंतु प्यारे भगवान कभी माया से नहीं बंधते। भगवान बंधते हैं तो केवल प्रेम से बंधते हैं। केवल प्रेम से बंधते हैं। वो रस्सी से बांधने की कोशिश करती हैं यशोमती मैया, वो रस्सी फिर दो उंगल छोटी पड़ जाती है। कहा मैया तृष्णाओं की रस्सी से मैं नहीं बंधा करता, मैं बंधता हूं तो केवल भाव की रस्सी से, प्रेम की रस्सी से। आज मानो मेरे भगवान यही शिक्षा सारे जगत को देते हैं और कहते हैं कि आज मेरे भगवान की वो पावनी लीलाएं आगे उड़ती हैं। कृष्ण से विक्षे कुमार चापन शृणवत्यः किल तन्न मातु मातुरिति हो जो समागतः। कि गोपियां भगवान की शिकायतें लेके जाया करती हैं। जब वो मटके बहुत फूटने लगे वो गोपियां शिकायत लेके जाती हैं। अमैया कहती कोई रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ तब तो मानो। हाँ, परंतु प्यारे लाला किसी की पकड़ में ना आते। हाँ, और कहते हैं जब बहुत शिकायतों का तांता लग गया तो आज आज लाला ने कहते हैं मैया के कहने पे कुछ दिनों के लिए माखन चोरी रोक दी। संत बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। महाराज लाला ने चोरी करनी रोक दी। अब जब वो चोरी रुकी ब्रज गोपियां भगवान को देखने के लिए व्याकुल हो गई। ब्रज गोपियां शिकायत करने नहीं जाया करती थी, वो तो लाला को दर्शन करने जाया करती थी यशोमती मैया के पास। अब जब लाला ने चोरी ही छोड़ दी तो शिकायत किस बहाने से करने जाए। हाँ, इसलिए व्याकुल हो गई। एक ब्रज की का प्रसंग आता है बड़ा प्यारा, कि एक ब्रज की बहू है, वो लाला से बड़ा प्रेम करती है, भगवान से बड़ा प्रेम करती है। आज वो बड़ी रो रही है अपने ठाकुर को देखने के लिए। हाँ, कि ठाकुर तो मेरी आंखों से उजल क्यों हो गया। अपने भक्त के मनोभाव को भगवान जानते हैं। दरवाजे बंद कर रखे थे उसके लिए, बहू के लिए सास ने, कि कहीं ये गलती से लाला घर में ना प्रवेश कर जाए। और कहते हैं आज मेरे भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए घर के पिछली ओर से खिड़की में से अंदर आए।
अब जैसे ही अंदर आए वो आहट ब्रज की सास को पता चल गई महाराज। वो सास दौड़ी आई, उसने लाला को देख लिया तो सास ने अपनी बहू को ऐसे पकड़ लिया कि कहीं गलती से भी ये ठाकुर को ना देख ले, अगर इसने ठाकुर को देख लिया तो कहीं ये दीवानी ना हो जाए, पागल ना हो जाए। महाराज ठाकुर घूमते घूमते पहले सास के पीछे गए, पकड़ के रखा था सास ने बहू को, फिर ठाकुर घूमते घूमते बहू के पीछे आ गए। तो ब्रज की जो सास थी ना, उसने एक बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी थी और वो बिंदी थी शीशे की। अब उस शीशे की बिंदी में बहू को पीछे खड़े हुए ठाकुर दिख गए। ध्यान से सुनना, भक्ति का प्रसंग है। पीछे खड़े हुए उस बिंदी में से पीछे खड़े ठाकुर दिख गए महाराज। और जैसे ही बिंदी में ठाकुर दिखे शीशे की, वो बहू ठाकुर के स्वरूप को देखने लग गई और उसी में खो गई। अब महाराज पहले तो सास ने पकड़ रखा था बहू को, अब बहू ने सास को पकड़ लिया। छुटने की कोशिश करे सास, परंतु बहू ना छोड़े। सास कह रही तेरे में कौन से भूत भर गए, अरे क्यों नहीं छोड़ रही मुझे, कहा मेरे अंदर कृष्ण समा गया है अब। और उसने सास को ऐसे पकड़ा और एक ब्रज का भाव गाया, बड़ा प्यारा है। सखीरी सखीरी कमल लोचन से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी कमल लोचन से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी कमल लोचन से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई बहुत लेकिन बचाई थी बहुत निकोड़ी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन निकोड़ी लड़ गई अखियां, सखीरी कमल लोचन से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी कमल लोचन से हमारी लड़ गई अखियां। हाथ ऊपर उठा के राधे तकदी रह गई अखियां, ना जाने क्या किया जादू मैं तकदी रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू मैं तकदी रह गई अखियां, ना जाने क्या किया जादू मैं तकदीर रह गई अखियां, चमकती we
दिसी रस भरी चितवन मेरी मुझे कभी सुन कर ले की
पर चढ़ गई सुंदर रूप में खोई रमानो क्यों ना खो जाए जीव भगवान के सुंदर रूप में, क्योंकि उनसे सुंदर इस संसार में और है भी क्या मेरे प्यारे। उनसे प्यारा और है भी क्या, सबसे प्यारे हैं मेरे भगवान, सबसे सुंदर हैं मेरे भगवान। ऐसे ही बाकी भगवान के सुंदर रूप को भक्त देखते रहे, निहारते रहे, बस यही तो देखने के लायक है प्यारे इस जगत में, और कुछ देखने लायक नहीं है। ब्रज लीलाएं आगे बढ़ी और कहते हैं कि माखन तो खाया खाया मेरे भगवान ने, अपने भक्तों के लिए भगवान ने माटी भी खाई। समय बीता, कालीन व्रज ताल पे गोकुले राम केशव जानुभ्यां सहपाणिभ्यां रिंगमाणो विजहेतुः, रिंगमाणो विजहेतुः। काल के प्रभाव से
भगवान बड़े हुए और कहते हैं आज भगवान ने कहते हैं बालक वाले खेल रहे थे महाराज और मेरे भगवान ने आज जब उस ठाकुर जी को नहीं खिलाया गया खिलाया गया तो भगवान ने आज माटी खानी शुरू कर दी। छोटे छोटे बालक मैया के पास दौड़े गए। एकदा क्रीडमानास्ते समाद्या गोपतार कहा कृष्णो मृदं भक्षितवानीति वानीति मात्रे नयवेदयन वानीति मात्रे नयवेदयन। प्यारी माटी खाई आज मेरे भगवान ने खेलते खेलते हाँ और छोटे छोटे बालक मैया के पास दौड़े गए। हाँ तेरे लाल ने माटी खाई यशोदा सुन माई। हाँ क्या जो शिकायत करी मैया के पास जाकर मैया आज क्रोध में हाँ तिल मिलाई। हाँ डंडा हाथ में लिया मैया ने। हाँ दूध दही को कब होना नाटी क्यों लाल तेने खाई माटी शामे समझा रही ले साटी याकू ने एक दया नहीं आई। हाँ यशोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाई शोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाई। प्रभु डंडा लेकर मैया दौड़ी पीछे पीछे पकड़ में नहीं आते भगवान परंतु आज सारे ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाने वाले वो परमात्मा मैया के डंडे के आगे भागे। हाँ प्रेम के वशीभूत लाला भागे। हाँ पकड़ में आ गए लाला। हाँ और आज लाला ने हाथ जोड़े मैया के सामने।